हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम खैरियत से होंगे। और इस चीज़ का लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग पूछते हैं यार, मिंटो सर्किल, मिंटो सर्किल क्या है? ये मिंटो सर्किल एसटीएस स्कूल, यार लोगों का सपना होता है कि मिंटो सर्किल से पढ़ना है। तो आज हमारे साथ अपनी मुहर्रम की छुट्टी मनाने के लिए आया था सादिक। मैंने कहा यार जरा व्यूज़ बता दो कैसा लग रहा है ना हॉस्टल जाने के बाद। लोग कहते हैं जेल में बंद हो गया, तो ऐसा नहीं, क्या है उसके व्यूज़। तो जानते हैं सादिक के साथ कि वो अपनी सातवीं क्लास, क्योंकि ना सिक्स क्लास तो इन लोगों को कोरोना में ही निकल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सादिक को भूले नहीं होंगे ना। एएमयू सिक्स एंट्रेंस रैंक वन है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर ना, अभी सेवन्थ क्लास में आ गया है माशाल्लाह। तो सादिक से व्यू जानते हैं, मिंटो सर्किल के टाइम टेबल रूटीन्स के बारे में जानते हैं। तो मिलते हैं सादिक से। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सादिक जानना चाहेंगे अभी अपने बारे में थोड़ा सा बता दें आप। माय नेम इज मोहम्मद सादिक शफीक एंड आई एम फ्रॉम कुशीनगर यूपी। माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड मैंने इमेज क्लासेस से कोचिंग की थी और मेरी रैंक वन एमयू क्लास 6 एंट्रेंस में रैंक वन आई थी। तो सादिक शुरुआत करते हैं ना, कब हॉस्टल आप मिंटो सर्किल, अभी कितने दिन हो गए आपको हॉस्टल में गए हुए? सर मुझे अभी लगभग एक दो हफ्ते हुए हैं बस। एक दो हफ्ते हो गए। तो ये बताओ कि मिंटो सर्किल में जो सिक्स क्लास की फीस कितनी भरी थी आपने स्कूल की? सर मैंने सिक्स में फीस 4500 भरी थी। मात्र 4500 रुपये सिक्स क्लास की। और अभी सेवन्थ क्लास की? सेवन्थ की भी उतनी, 4500 रुपीस पूरी कंप्लीट साल की फीस 4500 रुपये। अच्छा ये बताना फिर हॉस्टल की भी फीस लगती है क्या उसमें? सर हॉस्टल की भी फीस होती है सर 11500 मैंने जमा किया था। अभी 11500 जिसमें खाना और रहना सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन सर मैंने वार्डन सर से पूछा था कि सर ये क्या एनुअल फीस है, तो उन्होंने बोला था कि ठंडी में फिर से खाने के पैसे। ठंडी इन द सेंस मतलब खास ये 6 महीने की फीस होगी फिर है ना, खाने की सिर्फ। खाने की सिर्फ, अच्छा सिर्फ वहाँ उसमें खाने की होगी। तो हो सकता है 11500 पे ना करना पड़े, उससे कम पे करना पड़े। वैसे मंथली कितना है खाने का, क्या चार्ज लगता है? सर ये नहीं बता पाऊंगा लेकिन शायद आप ही से सुना है कि 1200-1300। हाँ 1200-1300 रुपये का है एमयू का उस वक्त का। ठीक है, तो ये सादिक ये बताओ रूम, जिस रूम में तुम्हें अलॉट हुआ है वो कितने लोग रहते हैं उस रूम में? सर एक रूम में सर जैसे एक तो रूम है उसमें 6 बेड हैं, उसमें अभी जैसे मैं आया था तो 2 लोग थे लेकिन एक ही दिन में 4 आ गए तो 6 लोग पूरा अकोमोडेट हो चुके हैं। और उसके पीछे 2 बैक रूम है, मतलब एक छोटा छोटा रूम है उसमें दोनों सीनियर्स रहते हैं, एक में एक रहते हैं एक में एक रहते हैं, तो उनकी निगाह रहती है सबको। तो एक रूम में इनडायरेक्टली देखा जाए तो इनडायरेक्टली 2 छोटे रूम है एक बड़े रूम है, 8 लोग रहते हैं। ठीक है, तो सब क्लास के बच्चे मिक्स रहते हैं? मिक्स रहते हैं हर क्लास में। जैसे तीन बच्चे हैं जो कि मेरे सेक्शन से हैं सेवन्थ में, एक बच्चा दूसरे सेक्शन का है जो क्लास 1 में एडमिशन लिया है। वन में? अच्छा वन से मतलब सीनियर है वो, काफी दिनों से आया हुआ। ठीक है, सर तो वन में तो हॉस्टल मिलता नहीं है, अब वो सिक्स में आ गया सेवन्थ में आ गया तो अब हॉस्टल, अब उसको हॉस्टल अलॉट हुआ है तो अब वो है। और सर एक क्लास एट्थ के हैं, क्लास एट जो सीनियर्स हैं वो क्लास टेंथ के हैं, क्लास टेंथ के। और जो सीनियर्स होते हैं सर वो क्लास सिक्स से हॉस्टल ज्वाइन किए रहते हैं तो वो पूरे जो 4-5 साल रह रहे हैं उनको सीनियर्स। हाँ सीनियर्स का यहाँ कॉन्सेप्ट वही होता है कि भाई सीनियरिटी बेसिस यहाँ पे ईयर वाइज चलता है, क्लास के हिसाब से नहीं चलता। चलिए अच्छी बात है। अच्छा सादिक तो ये बताइए वहाँ पे क्या रूटीन क्या रहता है मिंटो सर्किल में? सर वहाँ पर रूटीन ये है कि सर सबसे पहले आपको सुबह उठाया जाएगा 4:45 में, 4:45 बजे उठ जाना है, 4:45 हाँ। क्योंकि अभी फिलहाल नमाज की टाइमिंग 5:05 चलती है तो उस वक्त आपको उठा दिया जाएगा। सबकी बारह पारी रूम जो होती है जैसे रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 10 है तो पहले दिन रूम नंबर 1 उठाएगा, अगले दिन रूम नंबर 2 की। अच्छा सबको उठाना है, मतलब सबको एक एक करके? वार्डन इसने उठाते हैं? नहीं वार्डन सर नहीं। अच्छा ठीक है, उठाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से ये होता है, उसके बाद से सुबह जमात से नमाज हुई, यस सर वजू बनाया जमात से नमाज की, उसके बाद से घर आए तो बहुत बच्चों को सोना होता है, बहुत बच्चे सो जाते हैं लेकिन मैं सर सोता नहीं हूँ क्योंकि अगर सो जाएंगे तो पहली बात तो उठने का मन नहीं करेगा, दूसरी बात की सर उसके बाद से वो नहाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी वॉशरूम फुल हो जाएगा, फिर पता नहीं नहाने का चांस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सर मैं सोता ही नहीं हूँ, मैं तो उस वक्त क्या करते हो आप नहाने धोने में? उसको आपका मन करे थोड़ा टहल लो। पढ़ाई करते हो उस वक्त? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? यस सर। उसके बाद से सर स्कूल की टाइमिंग्स हो जाती है, ड्रेस वगैरह चेंज करके। कितने बजे स्कूल पहुंचते हो? नाश्ता कब करते हो? 7 बजे मैं निकल जाता हूँ, 7:30 पर स्कूल होती है, मैं जाके स्कूल में अपना बैग रख देता हूँ और वहाँ से डाइनिंग हॉल चले जाता हूँ। डाइनिंग हॉल के लिए सर आपको रसूल हॉस्टल जाना पड़ता है, जैसे मैं जमाल हॉस्टल में रह रहा हूँ, रसूल हॉस्टल में डाइनिंग हॉल और मस्जिद दोनों साथ में, उसके लिए थोड़ी सी चलनी पड़ती है। तो वहाँ पर जाके सर नाश्ता किया, उसके बाद से वहाँ से स्कूल चल के असेंबली का टाइम हो जाता है, उसके बाद से स्कूल अटेंड किया पूरा और उसके बाद से
स्कूल से घर आए तो फिर वहाँ से डाइनिंग हॉल गए खाना खाने, फिर वहाँ से फिर जोहर की नमाज़ पढ़े, उसके बाद से फिर वापस आए तो आपका मर्जी नहाओ जो करे नहाओ, सोना चाहे तो सो पढ़ो। उसके बाद ये स्कूल आवर 7:30 से लेकर कब तक है? 1:30 बजे छुट्टी, 1:30 बजे तक छुट्टी, फिलहाल 1:30 बजे छुट्टी, ठीक है। हाँ तो उसके बाद से सर फिर हॉस्टल में रूम पे आके अपना मैं पढ़ता हूँ, रीडिंग रूम चला जाता हूँ वहाँ पर। ऐसे ना स्कूल में जो है, स्कूल जो है हम लोग का, वहाँ पर ज्यादातर बच्चे जाके पढ़ते हैं, वहाँ पर शांति रहती है। अच्छा हाँ, स्कूल में हमारे इकरा पब्लिक स्कूल में भी यही था कि बच्चे रीडिंग रूम ना जाके। अच्छा वहाँ रीडिंग रूम की फैसिलिटी भी है? ये नहीं मालूम सर, एक ऊपर जो जमाल हॉस्टल में ऊपर एक हवा महल है, मुझे मैं वहाँ पर गया नहीं, कभी पता करूंगा वो क्या है, तो वो मुझे नहीं मालूम। रीडिंग रूम बच्चे स्कूल में ही जाते हैं। अच्छा, अपने स्कूल में जाके वहीं रीडिंग रूम, क्लास कुछ खुले रहते हैं उसमें जाके पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सर असर की टाइमिंग हो जाती है तो असर की नमाज पढ़ के खेला जाता है। वहाँ पर जो वार्डन सर है एक अदनान सर, वो स्पोर्ट्स के टीचर है। अच्छा, तो वो कौन कौन से गेम वहाँ पे अवेलेबल है खेलने के लिए? वहाँ पर सारे गेम्स होते हैं वहाँ पर सर, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और हाँ ये सर, ये 5 मेन गेम्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के फील्ड्स हैं। तो वहाँ पर ये सारे स्पोर्ट्स, तो आप असर से मगरिब तक, यानी मगरिब आजकल हो रही है 7:10 में, तो 7 बजे तक आप मगरिब तक खेलो। यस सर, उसके बाद से आप मगरिब की नमाज पढ़ने जाइए, उसके तुरंत ही बाद खाना मिल जाता है। तो वहाँ से ईशा की नमाज, नमाज के बाद मगरिब की नमाज बाद खाना मिलना शुरू हो जाता है। और शाम के नाश्ते में कुछ? शाम का नाश्ता नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। डाइनिंग वहाँ पर कैंटीन है, आप चाहे तो चाय पीजिए खरीद। अच्छा, जो भी अपना शाम में नाश्ता, ठीक है, वो अपना। और उसके बाद से फिर सर वहाँ से हम लोग फिर वहाँ से टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। मतलब वहाँ से सर हम लोग अपने रूम पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो फिर अब आपका मर्जी, वहाँ पर फिर अटेंडेंस होती है, सीनियर्स अटेंडेंस लेते हैं, वहाँ पर हाजिरी होती है और सबका वो दिए कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। सर एक दूसरे का कॉम्पिटिशन होता है ना, सर इसने नहीं पढ़ा, वो बोलेगा सर इसने नहीं पढ़ा, तो इस तरह से हो जाता है। इस तरह से जो नमाज नहीं पढ़ते निकल जाते हैं, उनको समझाया जाता है, कोई कोई गलती करता है तो समझाया जाता है। कुछ ना कोई नया बंदा आया हॉस्टल में, उसका इंट्रोडक्शन होता है, इस तरह से जान पहचान होती है। रैगिंग होती है कि नहीं? नो सर, रैगिंग एकदम बंद है, मतलब कोई बिल्कुल कोई रैगिंग नहीं होती। अच्छा, सीनियर्स आपके बड़े हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आपको डांटेंगे, डांट सकते हैं, उनका हक है, वो डांटेंगे अगर आप गलती करेंगे, तो समझाते भी हैं। मैं नए नए गया था तो अच्छे से बात किए, लोग समझाए लोग कि ऐसे ऐसे करना है। यहाँ पर वहाँ कुछ ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि सर सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ये तो कंपल्सरी है, नहीं पढ़ेंगे तो सर भी अगर पता चल जाएगा तो वो भी मारेंगे, ठीक है। और रूम पे नमाज नहीं पढ़नी है, मस्जिद जाके नमाज पढ़नी है। एक ट्रेडिशन चली बहुत अच्छा, दूसरा क्या ट्रेडिशन अच्छा लगा? ट्रेडिशन ये है कि कॉमन रूम होता है, उसमें एक बड़ा सा टीवी लगा है जो कि जमात हॉस्टल में, वहाँ पर सिर्फ सैटरडे को खुलता है रात में ईशा के नमाज के बाद 11 बजे तक या 12 बजे तक, उसमें एक बड़ा सा टीवी है, वहाँ पर इंजॉय होता है, बच्चे अपना इंजॉयमेंट करते हैं एक दिन। और वहाँ पर ये सब है, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, ये सब लगा हुआ, इंडोर गेम्स सारे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पर डाइनिंग हॉल, और डाइनिंग हॉल के बाद सर रीडिंग रूम, यानी जो रीडिंग स्कूल है और पढ़ने के लिए वार्डन हाउस, और ये सारी जगहों पर स्लीपर्स पर और लोअर पर नहीं जाना है। अच्छा, ये भी रूल है? यस सर, यानी पैंट और ये सब पहन के जाना है, ठीक है। तीसरा रूल ये है सर, कोई भी अगर आपसे बड़ा दिखता है, सीनियर जो भी है, उनको सलाम करना है। अच्छा, सलाम नहीं करेंगे फिर भी डांटा जाएगा। चलिए अच्छी। और सर क्या है, और तीन अभी तहजीब आपको समझ आए? अभी बहुत सारे हैं और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे शादी तो ईशा की नमाज कब, फिर आपने खाना खाया और फिर ईशा की नमाज कब होती है? ईशा की नमाज सर 7:00 बजे नहीं, 8:07 तो समथिंग मगरिब की नमाज हो रही है, 7:10 पे, तो ये 9 बजे, 9:15 पे ईशा की नमाज हो रही है। तो असर से मतलब आप मगरिब से लेकर ईशा तक खाना खाने में बिजी रहते हैं लोग या फिर अपनी पढ़ाई भी करते हैं? खाना खाते हैं, उसके वजह से अटेंडेंस होती है। अच्छा, उसके वजह से जो टाइम बचता है आप उसमें निकाल के पढ़ लीजिए। अच्छा, या फिर जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और उसके बाद से सर ईशा के बाद प्रॉपर टाइम मिलता है पढ़ने का, 11 बजे से पहले सोना नहीं है। अच्छा, तो यानी ईशा यानी 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी सेल्फ स्टडी करता है बच्चा? ठीक है, पढ़ना है। तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी, अगर कोई डाउट आया या कुछ आया कैसे क्लियर करते हैं वो? सारे सर हम तो सीनियर से पूछ लेते हैं, तो अपने सीनियर से पूछ के काम करते हैं, सीनियर हेल्प कर, सीनियर बड़े हेल्पफुल हैं आपके माशाल्लाह। तो मतलब कोई ऐसा ट्यूटर टाइप वहाँ पे नहीं अवेलेबल है सर? ये कमी लगती है थोड़ी सी,
ट्यूशन ट्यूशन वहाँ पर किसी ट्यूशन की ज़रूरत होनी चाहिए, होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे हिसाब से ये होनी चाहिए कि अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैं अकर पब्लिक स्कूल में था तो हम लोग जब रीडिंग रूम में पढ़ते थे तो हमारे पास टीचर भी अवेलेबल होते थे, स्कूल के टीचर या बाहर से हायर करते थे वो लोग, कि अपने वो नहीं होता। चलिए एक कमी आपको लग रही है, तो इंशाल्लाह अगर आपकी वीडियो हमारे VC तक पहुंच जाए तो शायद वो आपके मतलब डिमांड को सुन पाएंगे। अच्छा, ये कमी वहाँ पर रहती है। तो 11 बजे सोते हैं आप, मतलब आप बेड पर 11 बजे से पहले नहीं जा सकते हैं? तो इस पर वॉच कौन रख रहा होता है, कौन देख रहा है? दोस्त रखते हैं। अच्छा, और वैसे भी तो जैसे बैकरूम में सिंगल रहते ही हैं तो भी नजर पड़ सकती है। ठीक है, तो 11 बजे से सुबह के 5 बजे 6 घंटे, क्या इतना नींद एनफ है? नींद एनफ नहीं है सर, आपको तो थोड़ी सी नींद लेनी होगी क्योंकि माइंड को भी रेस्ट चाहिए। तो वो नींद कैसे मैनेज करते हैं? सर एक तो सोनू शर्मा वो है मोटिवेशनल स्पीकर, हमें बात करी वो मेरे दिमाग में चलता है। क्या बोलते हैं? ये बोला था कि सर अगर कोई बंदा 10 घंटा सोता है, उसे 10 घंटे सोने की आदत लग गई, उसे आप 8 घंटे में उठा देंगे तो उसे चैन नहीं मिलेगी। ठीक है। और कोई बंदा 6 घंटे सोने की आदत बना लेता है तो वो उसे 6 घंटे में ही चैन मिल जाएगी। ठीक है, तो तुमने अपना चैन कितने दिन का बना रखा? हॉस्टल में आकर ये चीज़ सीख लिया कि कम नींद लेता हूँ। अच्छा। मैं अभी तो फिलहाल आ रहा था तो सर फजर के बाद सो जा रहा था, लेकिन 2 दिन से मैं सोया नहीं था सर। अच्छा, तो अब आदत बन जाएगी तुम्हारी। हाँ, धीरे धीरे सर। 6 घंटे भी नींद बहुत है ना, लेकिन चाहे तो आप जोहर और असर के बीच में सो सकते हैं। नींद पूरी भी करनी चाहिए सर, क्योंकि अभी सर हम लोग ग्रोइंग एज है और मैं रात के सोते वक्त ही मतलब जो है हाइट ग्रो होती है। तो बहरहाल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हें मिंटो सर्किल का? सर बहुत अच्छा रहा, लेकिन यही कमी है कि सर ट्यूशन नहीं मिलती है और वहाँ पर सर खाना जो है वो भी एवरेज है। एवरेज है। हाँ, अम्मी अबू की याद आती है? काफी सही है। अम्मी अबू की याद सर अब नहीं आती है हॉस्टल में आने के बाद। ये तो वीडियो बिल्कुल अम्मी अबू को भेजना चाहिए, आपको अम्मी अबू की याद नहीं आती है। चल अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे मैंने अपने लाइफ में देखे कि होम सिकनेस होता है तो फिर पढ़ भी नहीं पा रहा बच्चा, ना रह पा रहा। ठीक है, 2-3 दिन में गया था तो वहाँ पर ये सारी दिक्कतें हुई थी, लेकिन फिर आदत पड़ गया। मैं तो घर पर बस 2-5 मिनट बात करके रख देता हूँ। अच्छा, हाँ घर पर बात करने के लिए क्या है तरीका? आपके पास कीपैड फोन रहना चाहिए। अच्छा, कीपैड फोन अलावा है आपको? कोई वो नहीं, हॉस्टल से कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी कि आप बात कीजिए ऑफिशियल, आप अपना फोन रख सकते हैं, कीपैड फोन, स्मार्टफोन नहीं रखते। स्मार्टफोन अलाउड नहीं है। और सर यही है कि बात करने के लिए आप कीपैड रखिए, मैं तो अभी दोस्तों से काम चला रहा हूँ। चल अच्छी बात है। अच्छा सादिक, को ऐसा मैसेज जो देना चाहोगे तुम मिंटो सर्किल के एक्सपीरियंस के लेते हुए कि यार बच्चों यहाँ पे आके पढ़ो। अच्छा, तुमने वो जो रूम देखा है जहाँ पे नशुद्दीन शाह जाके रहे हैं या फिर जावेद अख्तर रहे हैं, वहाँ पे लोग बताते हैं कि इस रूम से नहीं है? अभी जैसे एक ऑफलाइन स्कूल ज्वाइन की, 6th में एक हफ्ते ऑफलाइन स्कूल चली थी, तो उस वक्त क्या हुआ था, लू चल रहा था शायद, हीट वेव चल रहे थे, तो उसके वजह से DM का ऑर्डर आ गया। तो जाहिर सी बात है सर, हम लोग इतना लेट चल रहे थे, 7th होना चाहिए, अभी 6th में है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ, इसे ऑनलाइन कर दिया गया और जल्दी जल्दी कम्प्लीट करा के डायरेक्ट एनुअल एग्जाम हो गया ऑनलाइन। तो अब 7th में आ गए ना? अब 7th में आ गए सर, तो अब 7th में अभी बस एक हफ्ते हुए मुझे हॉस्टल आए हुए, अभी इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा चलो सही बात है। तो कोई मैसेज जो देना चाहो बाकी बच्चों को जो तुम्हारी इस वीडियो को सुन रहे हैं? सर ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और मैंने सर इमेज क्लासेस से कोचिंग की थी तो काफ़ी हेल्प मिला था आपकी गाइडेंस से। मैंने तो भी सर सिर्फ टेस्ट सीरीज लिया था। हाँ, उस वक्त सिर्फ टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू की शुरुआत किया था, काफ़ी हेल्प मिला था। और इंटरव्यू तो नवाब सरदार के लिए इतनी सारी चीज़ें, उसी में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी, ऑफलाइन सेंटर भी अवेलेबल करा दिया सर से, मैंने डिमांड भी की थी सर। हाँ इसने बिल्कुल, इसने डिमांड किया था कि सर रहनुमा बैच 7th क्लास का बैच आप ऑफलाइन लेके आइए, लेकिन बेचारा रहनुमा बैच आ गया लेकिन ये हॉस्टल में कैद हो गया, हॉस्टल चला गया। तो ये और अभी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे इतने फीचर्स मिल रहे हैं कोचिंग सेंटर में, शायद ही किसी कोचिंग मिलता हो और इतने सस्ते मिल रहा है, तो ये सारी नवाब सर की गाइडेंस अच्छे से फॉलो कीजिए और एमयू बूस्टर जरूर लगाइए, एमयू बूस्टर जरूर लगाइए। चलिए थैंक यू सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों ये ना आप सुन रहे थे सादिक को, इसने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया कि इमेज क्लासेस से जर्नी लेकर कैसे मिंटो सर्किल में अपनी जर्नी को अभी अंजाम दे रहा है, मिंटो सर्किल से 7th क्लास अपनी कैसे कंप्लीट कर रहा है। और आप चाहते हैं बिल्कुल ना, आप भी मिंटो सर्किल में जाना चाहते हैं, तो इस बार भी बहुत सारे बच्चे हमारे इमेज क्लासेस के 6th का बैच ज्वाइन किए, रबर बैच, 6th फाउंडेशन का बैच भी चल रहा है हमारे पास, कम्प्लीटली ऑनलाइन है फिलहाल, 7th का भी बैच है, और हमने रिसेंटली अपना 5th क्लास का बैच ना, 5th प्री फाउंडेशन या आप गए 5th रेगुलर, जिसमें हम AMU जामिया और BHU के 6th एंट्रेंस की तैयारी
अभी से करा रहे हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। कुछ दिन पहले शुरू है, अराउंड एक हफ्ता पहले शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है 24/7। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए, द नंबर इज 8077938908। इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी मिंटो सर्किल के लाइफ के बारे में पता चले। और एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था मिंटो सर्किल से रिलेटेड, अंदर का व्यू दिखाया था मैंने, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।